आराम आराम से आइए एकदम। देख सकते हैं किस तरह से हमारे पैरों को जो है चारों तरफ से। आप वहाँ पे हिल रहा है, हिल रहा है। अगर मत के पास कहाँ से गिर जाएं सुन कर दी। सुन कर दी क्यों करें? हटाओ ना गिर जाएं सुन कर दी। हटाओ। बोझ है बात। तो दोस्तों नमस्ते प्रणाम, मैं शत्रुघ्न बाबा और आज हम लोग आए हुए हैं सिवान जिले के बड़का गांव में। तो यहाँ मतलब एक कुआं में एक सांप निकला हुआ है, मतलब सांप गिर चुका है। तो चलिए हम चलते हैं अंदर की तरफ और सांप को बहुत जल्द निकालेंगे। तो दोस्तों फाइनली हम लोग कुआं में आ चुके हैं और जैसे कि आप लोग देख सकते हैं तो दोस्तों सांप यहाँ पे जो है मतलब बैठा हुआ है। देखने में तो लग रहा है कि सांप मर चुका है लेकिन भैया ये सांप सातिर होते हैं। लो भाई तो का उधर पकड़ा ना भी मार दे देखा लो साहब देखो कि क्यों ना हो तो देखो कि कब पकड़ो तो दोस्तों देख सकते हैं काफी पुराना ये लगभग काफी पुराना लगभग 25 साल पुराना ये नाग है। और तो बताते भैया कि इस सांप को हम लोग नाग बोलते हैं और लगभग हम लोग 20 फीट कुआं में आए हुए हैं इस सांप को पकड़ने के लिए। देख सकते हैं भैया तो दोस्तों यहाँ पे काफी रिक्स। और बता दे भैया कि केवल यही एक सांप नहीं है, एक और सांप है भैया। ओखिया
और दोस्तों फाइनली हम लोग जो है आराम आराम से आइए एकदम नहीं पकड़िएगा लोग अरे बाबू हट हट कोई दौड़ के इधर उधर नहीं भागेगा ठीक है देख सकते हैं किस तरह से हमारे पैरों को जो है चारों तरफ से देख सकते हैं दोस्तों किस तरह ये सांप ये कंप्लीट चल जा सुरारी घर में जा भारी बाबू भारी बा भारी बा भरी कही रही चलिए उसमें फिर उतरेंगे और अगर दूसरा सांप होगा तो उसे भी बहुत जल्द हम लोग निकालेंगे भाग रे भाग रे भाग 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 देखो कौन सीढ़ी हरी डाल दिया हटा फोन तो दोस्तों एक सांप पकड़ने के बाद दूसरे सांप के लिए हम कुआ में आ चुके हैं और दूसरा सांप इधर ही है खोखला है बहुत जल्द उसको भी निकालेंगे तो दोस्तों बहुत ज्यादा चींटी इसमें आ गई है और काट रही है टी कोनी
हल्ला नहीं कीजिए भैया, तो दोस्तों काफी सूझबूझ के साथ इस सांप को पकड़ा गया है भैया। देख सकते हैं भैया काफी खतरनाक तरीका से इस सांप को, बता दे कि ये एक नागिन है और ये काफी फुर्तीला नागिन है भैया। काफी मेहनत के बाद इसे पकड़ा गया, बता दे कि पूरे शरीर में चींटियां घुस गई है। और चलिए इनको पहले हम बाहर लेके चलते हैं क्योंकि इन्होंने बहुत परेशान करा रखा है। और भैया बता दे कि अरे बाप रे, देखिए मकई तोड़ के मत चलिएगा, लोग नीचे दे के चलिए, लोग आराम से रोड पे चलिए, आप लोग रोड पे चलिए आराम से, रोड पे चलो, थोड़ी अच्छी हवा पकड़िए पकड़िए उसको आ गया। चलिए चलिए तो दोस्तों काफी मेहनत और मशक्कत के बाद इन दोनों बेजुबानों की जान बचाई गई।